सर, विद ऑल योर सपोर्ट सर, थैंक यू। सर जी सर, थैंक यू सर, थैंक यू फॉर रिकॉग्नाइजिंग इट सर, थैंक यू सो मच सर। और मुझे खुशी आपको विशेष बधाई इसलिए है सर कि आप एक भी राउंड हारे नहीं है सर। सर थैंक यू, थैंक यू सो मच। सर आई थिंक हम लोग जिस दिन हम लोग क्वार्टर्स जीता सर, उस दिन हम लोग ने डिसाइड किया कि हम तो एंड तक फाइट करेंगे ही करेंगे सर, हम जीत के ही वापस जाएंगे। तो पूरा टीम ने बहुत मेहनत किया है सर, पूरा टीम ने ये बस ये एक सोचा कि बस हम एंड तक फाइट करेंगे और जीत के ही वापस जाएंगे सर। जी सर, क्योंकि सर ये टीम भी स्पोर्ट है ना सर, ये टीम इवेंट है इसीलिए, और सब एक दूसरे को हम लोग बहुत हेल्प किया है सर, एक दूसरे को बहुत मोटिवेट करके हमने सोचा है कि सब लोग अच्छा खेल रहे हैं इंडिविजुअल टूर्नामेंट में, सब अच्छा बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, तो हम एक साथ मिलके अभी इंडिया के लिए करने का ये एक मौका है सर, और हमने सोचा कि ये मौका हम वेस्ट नहीं करेंगे सर, और हमने सोचा कि पूरा मेहनत रखेंगे, पूरा सब लोग अपना 100% खेलेंगे सर। देखिए आपने जो कोचिंग है सर, बेबी साहब अभिनंदन के अधिकारी हैं। जी सर, बहुत सर, लोगों ने बड़ा और कौन कौन है वहाँ, लक्ष्मण है क्या? जी सर है सर। नमस्ते सर। नमस्ते सर, कैसे हैं सर? यस सर। जरूर सर, जरूर मैं लेके आऊंगा। यस सर, जरूर लेके आऊंगा। यस सर, तीसरी पीढ़ी है जो बैडमिंटन खेल रही है। यस सर, और ये टूर्नामेंट में पापा भी आए थे तो उनका भी काफी सपोर्ट था टूर्नामेंट। आप लोगों को मैं वैसे में ये सवाल पूछता हूँ। यस, आपकी टीम को, आपकी कोचिंग को, यस बस आप जीत बिल्कुल सामने देख रहे हैं, आप जीत के रहेंगे ये जी सर। जब हम लोग जैसा कि श्रीकांत भैया ने कहा, हम जब क्वार्टर फाइनल जब हम जीते और एक वो काफ़ी टफ मैच रहा था, लास्ट मैचेस तक गेम्स जा रहे थे और काफ़ी लंबे मैचेस हो रहे थे, तो तब जब वो मैच हम लोग जीते और फिर एक बिलीफ आया कि आगे आने वाली कोई भी टीम्स हो हम सबको हरा सकते हैं, एंड सभी टीम्स इक्वल हैं, और हिस्ट्री सर हमारा उतना अच्छा नहीं था इसमें, बट जब हम कोर्ट पे उतरे और जब जो आजकल के टीम्स हैं और उनके साथ हमने खेला, तो हमको बिलीव था कि हम कोई भी टीम को हरा सकते हैं। ये टीम नहीं, जब जी 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 थैंक यू सर, थैंक यू सर। सर क्वार्टर फाइनल्स के बाद बहुत अच्छा लगा सर, क्योंकि काफी प्रेशर मैच था सर, क्योंकि हम लोगों को कभी मेडल नहीं मिला है सर थॉमस कप में, और वो क्वार्टर फाइनल्स जीतना काफी इम्पोर्टेंट था, और जैसे श्रीकांत ने बोला, क्वार्टर फाइनल जीतने के बाद हम लोगों को विश्वास आ गया कि हम लोग कोई भी टीम को मार सकते हैं, और जब आज का फाइनल्स भी हम लोगों को पूरा भरोसा था कि हम लोग आज जीत जाएंगे इंडिया के लिए। हाँ जी सर, सर मलेशिया से, सर मलेशिया सर एक्सपेक्ट नहीं किया था सर कि वो लोग हमसे हारेंगे, क्योंकि वो लोग काफी स्ट्रांग टीम थे सर, बट जैसे हमारे टीम में काफी ज्यादा इस बार टीम सपोर्ट मतलब काफी ज्यादा था इस बार, और उसी वजह से हम लोग
इस बार ये टूर्नामेंट जीता है सर, क्योंकि सारे सारे प्लेयर, सारे सपोर्ट स्टाफ, सारे कोचेस आई थिंक काफी ज्यादा ही एक्साइटेड थे इस टूर्नामेंट में, और आई थिंक गोल्ड जीतना इज वन ऑफ द बेस्ट थिंग्स सर। हेलो सर, सर सर चिराग बात कर रहा हूँ सर। सर रवि सब एक साथ बैठ खड़े हैं सर यहाँ पर। सर सर सब सगी चांगला है सर। सर आप जैसे देख सर खूब चांगला एक्सपीरियंस था सर आज जीतने का, मतलब वर्ल्ड चैंपियन होना वो भी भारत से, मतलब इससे बेहतर कुछ और चीज नहीं हो सकती। यस सर, यस सर, सर मैं एक और चीज बोलना चाहूंगा। यस सर डेफिनेटली सर, यस सर, यस सर, जी सर, ओके सर। सर आई थिंक नाउ सर अभी इंडिया में ना सर स्पोर्ट्स के लिए बहुत अच्छा सपोर्ट है सर, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तरफ से या गवर्नमेंट की तरफ से या उनका नेशनल फेडरेशन की तरफ से, या अभी इलाइट लेवल में टॉप्स करके एक नया स्कीम है सर, टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम करके सर, इन सब चीजों की वजह से ना सर अभी बहुत बहुत सपोर्ट आ रहा है सर स्पोर्ट्स पर्सन को इंडिया में। आई थिंक अगर ये ऐसा कंटिन्यू होते रहा तो आई थिंक इन फ्यूचर ऑल्सो सर इंडिया विल डेफिनेटली सी मेनी मोर चैंपियन सर। सर आई थिंक इफ दे आर सी अगर बच्चे लोग जो भी अभी अभी स्टार्ट कर रहे हैं सर उनका पसंद वाला स्पोर्ट अगर वो लोग उसमें 100% मेहनत कर सकते तो आई थिंक इंडिया में बहुत ज्यादा ऑप्शन है सर, बहुत ज्यादा चांसेस भी है सर, आई थिंक बहुत अच्छे कोचेस भी है, बहुत अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है अभी। आई थिंक इफ दे आर रियली कमिटेड टू द स्पोर्ट वो लोग डेफिनेटली परफॉर्म कर सकते हैं सर इंटरनेशनल लेवल में। सो मैं बस ये कहना चाहूंगा कि अगर वो लोग 100% एफर्ट मेहनत कर सकते हैं उन स्पोर्ट के लिए आई थिंक दे विल डेफिनेटली सक्सीड सर। थैंक यू सर, थैंक यू सर। खेल कूद के लिए बच्चों को प्रेरित करना, प्रोत्साहित करना, आखिर तक उनके साथ खड़े रहना जरा कठिन काम होता है जी सर, क्योंकि मन में रहता है ये बच्चा पढ़ेगा तो नहीं तो क्या होगा, पढ़ाना नहीं करेगा तो क्या होगा। आपके माता पिता भी सलाम के अधिकारी है, अभिनंदन के अधिकारी है जी सर, थैंक यू सर, उनको जरूर प्रणाम कहिएगा। श्योर सर, श्योर, थैंक यू सर, 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 थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, जय, थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर। Subscribe us and press the bell icon for more interesting updates.